हेलो क्लास, वंस अगेन आई एम बैक विथ माय न्यू वीडियो फॉर योर साइंस क्लास। टुडे आई एम गोइंग टू टेक अ न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 8 एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन। सो फर्स्ट क्वेश्चन आई इज व्हाट इज विंड, सेकंड आई इज व्हाट इज स्टॉर्म एंड व्हाट इज साइक्लोन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विंड। विंड मींस मूविंग ऑफ एयर, एयर का मूव करना, मींस मूविंग ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। एयर का मूव करना क्या कहलाता है, विंड कहलाता है, मींस मूविंग ऑफ एयर, ओके इज कॉल्ड विंड। अब विंड जो होती है वो अलग अलग नेम से जानी जाती है इसके स्पीड के हिसाब से। द स्पीड ऑफ विंड, द स्पीड ऑफ विंड क्लासिफाई द विंड इनटू डिफरेंट पार्ट या डिफरेंट फॉर्म। जो विंड होता है उसके चलते हम विंड की स्पीड चलते हैं, विंड को हम अलग अलग नाम देते हैं। जब जिसकी स्पीड ज्यादा होती है उसको अलग नाम, उससे कम को अलग नाम, एकदम कम को अलग नाम, जैसा भी रहेगा विंड, ठीक है। तो इसमें जो पाला आता है वह क्या आता है, ब्रीज। इसको एक तरह से गस्ट बोल सकते हैं, झोंका जो होता है। तो ब्रीज क्या होता है, द जेंटल मूविंग ऑफ एयर और विंड इज कॉल्ड ब्रीज। जब विंड धीरे धीरे चलती है, जैसे होता है ना सुबह या शाम को हवा धीरे धीरे बहती है, उसको हम क्या होते हैं, ब्रीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रीज, या झोंका कह सकते हैं, जो धीरे धीरे क्या होती है, चलती है, ठीक है। इट जनरली कम मेक द पर्सन कंफर्टेबल, या आदमी को आराम देती है, ठीक है, थोड़ा ठंडा रहता है हवा और यह सब ऐसी रहती है। तो ब्रीज क्या होते हैं, जेंटली मूविंग ऑफ विंड का आराम से बहना क्या कहलाता है, ब्रिज कहलाता है। इसमें जो नेक्स्ट आता है वो आता है स्टॉर्म एंड साइक्लोन। स्टॉर्म मान लो एक साइक्लोन मान लो, व्हाट इज स्टॉर्म। स्टॉर्म इज अ फास्ट मूविंग विंड। जब विंड बहुत तेजी से मूव करती है, मींस व्हेन द स्पीड ऑफ विंड गेट वेरी हाई इन दैट पार्टिकुलर कंडीशन इट इज कॉल्ड स्टॉर्म। इसको हम क्या होते हैं, तूफान कहते हैं। क्या होते हैं, तूफान कहते हैं। जैसे कभी कभी होता है ना आधी तूफान आते हैं ना, वो होता है स्टॉर्म, ठीक है। तो फास्ट मूविंग विंड, फास्ट मूविंग विंड को हम क्या कहते हैं, ठीक है। साइक्लोन मींस क्या होता है, चक्रवात। मींस व्हेन द स्टॉर्म और व्हेन द विंड आर मूविंग वेरी फास्ट बट इन द सर्कुलर वे, ठीक है, एक चक्कर लगाते हुए घूमती है, उसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लोन बोलते हैं। मींस फास्ट मूविंग विंड इन सर्कुलर पैटर्न, एक सर्कुलर पैटर्न होता है। एक्चुअल में जो सर्कुलर पैटर्न छोटा सा चक्कर नहीं होता है, बहुत कई किलोमीटर का होता है। कहा था जो साइक्लोन होते हैं उनकी ऊंचाई होती है नियर अबाउट 15-15 किलोमीटर जमीन से ऊपर तक होती है, और कई सौ किलोमीटर, कई मतलब 20-30 किलोमीटर क्या था, बड़े से रेंज में फैलती है, ठीक है। छोटे शुरुआत में बहुत छोटा लेवल पर होता है, बाद में बहुत ज़्यादा फैलती है, ठीक है। ऐसा होता है कि उस समय किसी भी एरोप्लेन को घूमने से मना कर दिया जाता है, क्योंकि उसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है, इतना होती है कि जिस एरिया में एरोप्लेन उड़ती है हवा में उस एरिया को नुकसान करता है, इसलिए प्रोहिबिट कर दिया जाता है उस समय एरोप्लेन के मौसम को उस एरिया में। तो साइक्लोन फास्ट मूविंग विंड इन द सर्कुलर पैटर्न, चक्रवात यानी चक्कर के साथ जो घूमते हुए आ जाती है। स्टॉर्म की तुलना में साइक्लोन ज़्यादा नुकसान करता है, ठीक है। स्टॉर्म जो होता है जनरली डायरेक्शन फ्लो करता है, ठीक है, और उसके एरिया में मतलब जो कुछ भी आता है नुकसान तो होता है, ज्यादा नहीं होती है। लेकिन साइक्लोन आर वेरी डिजास्ट्रस, ये बहुत ज्यादा डिजास्ट्रस होता है, मतलब बहुत ज्यादा नुकसान करता है, ठीक है। इट अपरूटेड द पोल ट्रीज एंड डीबेकल द बिल्डिंग, बिल्डिंगों को सत्यानाश कर देता है। कोई भी छोटा मोटा घर मिल जाए, ठीक है, कमजोर घर मिल जाएगा तो उसका क्या होता है, तार से पत्तों पर गिरा कर रख देता है। विंड रहेगा थोड़ा बहुत दिक्कतें करता है, ज़्यादा नहीं करता है। साइक्लोन में ज़्यादा लोग की मौत होती है क्योंकि पेड़ वगैरह ज़्यादा गिरते हैं, इसमें बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो यह हो गया विंड, उसका तीन पार्ट, ब्रिज, स्टॉर्म और साइक्लोन। जनरली स्पीड पर डिपेंड करते हैं, अगर तो स्लोली मोशन कर रहा है तो ब्रिज कराएगा, फास्ट मोशन कर रहा है किसी एक डायरेक्शन में क्या होगा, स्टॉर्म होगा, और सर्कुलर ले अगर घूमता है तो साइक्लोन कराता है। क्या कराता है, साइक्लोन।
ओके नाउ बिफोर गोइंग फॉर द स्टॉर्म एंड साइक्लोन वी हैव टू फर्स्ट स्टडी द एयर प्रॉपर्टी ऑफ एयर व्हाट द प्रॉपर्टी आर शोन बाय एयर एंड हाउ दिस प्रॉपर्टी कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ विंड एंड द स्टॉर्म एंड साइक्लोन तो हमें एयर के बारे में पढ़ना है उसके बाद एयर तो आप जानते हो क्लासेस में पढ़ाता है व्हाट इज एयर एयर इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस एयर जो होती है अलग अलग टाइप की गैसों का मिक्सचर ठीक है हम प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं प्रॉपर्टी फर्स्ट होता है इट एग्जर्ट प्रेशर मीन्स एटमोस्फेरिक प्रेशर मीन्स एयर ऑलवेज एग्जर्ट प्रेशर मीन्स इफ एयर इज फिल्ड इन एनी कंटेनर इट ऑलवेज एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर मतलब किसी कंटेनर के अंदर अगर हम एयर को भर देते हैं तो वह एयर उस कंटेनर के अलग अलग सर्फेसों पे क्या करता है प्रेशर लगाता है प्रेशर मीन्स फोर्स अपॉन एरिया मतलब एक फोर्स लगाता है उनके सर्फेसों पे उसको हम क्या बोलते हैं कि एयर जो होता है हर एक कंटेनर कोई भी कंटेनर उसके क्या करता है सर्फेस पर प्रेशर लगाता है जैसे आप गुब्बारे को फुलाते हैं तो गुब्बारा फुलाने के बाद क्या होता है कि कुछ टाइम बाद गुब्बारा अगर ज्यादा हवा भर देंगे तो क्या होता है बस्ट कर जाएगा फट जाएगा उसके पीछे क्या नहीं होता है कि जब हम फुलाते हैं गुब्बारे को तो जो एयर होता है जो गुब्बारे की इनर साइड की जो लेयर होती है उससे फोर्स लगाता है अगर जब तक परिवहन गुब्बारे में यह होता है क्वालिटी को अपने आप को क्या कर सकता है स्ट्रेच कर सकता है बढ़ा सकता है लेकिन जब फोर्स लगाते लगाते एक ऐसा कंडीशन आता है कि अब उसकी जो इनर लाइनिंग है अब और प्रेशर नहीं झेल सकता है तो जगह जगह क्या है फट जाता है और इसको क्या होते हैं बस्टिंग ऑफ बैलून बैलून क्या होता है फट जाता है एक्सप्लोशन ऑफ बैलून इट एग्जर्ट प्रेशर ये क्या करता है प्रेशर एग्जर्ट करता है इसका जो सबसे बड़ा होता है वो होता है एटमोस्फेरिक प्रेशर मीन्स एज वी नो दैट अर्थ इज सराउंडेड बाय द ब्लैंकेट ऑफ एयर ठीक है अर्थ के चारों तरफ क्या है एयर का पूरा क्या है ब्लैंकेट एक पूरी चादर बिछी हुई है ठीक है और सिंस एयर हैज मासेस एयर के पास क्या होते हैं मास होते हैं इसीलिए क्या कहता है वो अर्थ के सरफेस की तरफ फोर्स लगाता है और फोर्स पर जब एरिया काम करेगा या फोर्स और एरिया मिलेंगे तो प्रेशर होगा यानी हमारे चारों तरफ जो एटमोस्फियर है वो हम पे प्रेशर लगाता है एज अ प्रेशर क्रिएटेड बाय द एटमोस्फियर प्रेजेंट अराउंड अस इज कॉल्ड एटमोस्फेरिक प्रेशर हमारे चारों तरफ जो एटमोस्फियर है उसके द्वारा हम पे जो प्रेशर लगाया जाता है मीन्स अर्थ पे जो प्रेशर लगाता है उसी का नाम क्या रहते हैं एटमोस्फेरिक प्रेशर रखते हैं क्लियर तो जो अर्थ है उसके चारों तरफ एटमोस्फियर है वो हम पे क्या होता है प्रेशर लगाता है वह प्रेशर हमारे बहुत सारे बिहेव को या बहुत सारी चीजों को मेंटेन रखता है जैसे हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है ठीक है वो भी प्रेशर होता है जैसे बीपी कहते हैं ना ब्लड प्रेशर ठीक है उसकी वैल्यू जो होती है हमारे चारों तरफ जो एटमोस्फियर है उसके बराबर होती है ठीक है जितना प्रेशर ठीक है हमारे एटमोस्फियर में होता है लगभग उतना प्रेशर हमारे ब्लड में भी होता है ठीक है कहा था अगर इससे कम और ज्यादा का प्रेशर रहेगा तो आदमी क्या होगा बहुत ज्यादा दिक्कतें उठानी पड़ेगी जैसे क्या होता है कि अगर कोई सी डाइवर है सी डाइवर की हिंदी क्या होती है गोताखोर वैसे डाइवर कहते हैं ठीक है डाइव लगाना होता है ना तो सी डाइवर जो होते हैं आई होप इस पे नहीं होगा डाइवर सी डाइवर मतलब समुद्र में जो गोते लगाते हैं ठीक है नदी में भी गोता लगाता है जैसे मान लो कोई आदमी अगर डूब जाता है जैसे बाढ़ का समय बहुत लोग नहाने के चक्कर में डूब जाते हैं या कभी कभी लोग किसी के फ्यूनरल वगैरह में जाते हैं क्रीमेशन में फिर भी क्या होते हैं डूब जाते हैं नहाते वक्त या कोई पूजा पाठ करने गए हैं नदी पे तो भी डूब जाते हैं तो जब डूबते हैं तो उनको लोग क्या होते हैं गोता लगाते हैं लोग जमीन के नीचे उनकी लाश शुरुआत उनकी जमीन के नीचे लाश पड़ी होती है पानी भर जाने से तो उसको वहां से निकालते हैं लेकिन जो सी डाइवर होती है वहां पे कंडीशन अलग होती है सी डाइवर जो होती है जो समुद्र जो नदी वगैरह उतनी गहरी नहीं है लेकिन सी डाइवर जब गोता लगाते हैं तो बहुत गहराई तक जाते हैं और रूल कहता है कि जब हम पानी के अंदर जाते हैं जितना नीचे जाएंगे उतना ही प्रेशर बढ़ता जाएगा उतना ही प्रेशर क्या होगा बढ़ता जाएगा और वह प्रेशर हमारे कहाँ लगेगा बॉडी पे और वह बॉडी पे इतना प्रेशर लगेगा कि हमें दिक्कत हो सकती है हमारी डेथ हो सकती है इसलिए जो सी डाइवर होते हैं जो ज्यादा समुद्र के नीचे जाते हैं ठीक है उनको उनका जो कपड़ा होता है स्पेशल होता है ठीक है वो ऑटोमेटिक सिस्टम द्वारा बना होता है ऑटोमेटिक सिस्टम से अटैच होता है जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं गहराई के साथ जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है पानी का हमारे बॉडी पे
जो कपड़ा है उसके अंदर एयर भरी होती है, ठीक है, ऑटोमेटिक वो प्रेशर एयर क्या होता है बढ़ाता जाता है, ताकि हमारे बॉडी का जो प्रेशर है अंदर का उस पर कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा, ठीक है, हमारे बॉडी से बाहर जो प्रेशर है, अगर उतना प्रेशर हमारे बॉडी के अंदर नहीं रहा, उससे कम हो गया, तो हमारी बॉडी क्या बीच में दब जाएगी, क्रश कर जाएगी, ठीक है, और हमें क्या, हमारी डेथ हो सकती है। साथ ही साथ जो लोग एरोप्लेन में बैठते हैं, ठीक है, एरोप्लेन क्या होता है, रूल होता है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे एयर की प्रेशर घटती जाती है, क्या होती है, घटती जाती है। तो जब एयर का प्रेशर घटता है तो हमारे बॉडी का प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि शुरुआत अर्थ पे थे, एयर प्रेशर और हमारे बॉडी का प्रेशर दोनों सेम था, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं था। बट जब ऊपर गए और क्या हुआ कि बाहर साइड का प्रेशर घट गया और अंदर साइड का प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो हमारे जितने भी कमजोर पार्ट होंगे, नाक के कान, सॉरी नाक आंख कान और जितने भी कमजोर जहां पे नसें दिखेंगी, वहां से क्या होता है, फट के ब्लड बाहर आने लगेंगे, ठीक है। इसीलिए जो जब एरोप्लेन ऊपर जाते हैं तो ऑटोमेटिक सिस्टम को अटैच होती है, ठीक है, एयर प्रेशर बाहर साइड से मिलता रहता है मशीन को, और ऑटोमेटिक सिस्टम को अटैच होता है, अंदर साइड उतना ही प्रेशर क्या होती है, बनाती रहती है। कभी कभी ऐसा होता है कि प्लेन में किसी कारण से कोई अगर कांच खिड़की वगैरह टूट जाती है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, बट कभी कभी टूट जाती है, तो लोगों के तो मुंह से ब्लड आने लगते हैं, नाक से ब्लड आने लगेंगे, कान से ब्लड आने लगेंगे, आंख से ब्लड आने, क्योंकि बाहर साइड का प्रेशर घट जाता है ऑटोमेटिक, अंदर साइड का प्रेशर ज्यादा आने से क्या होता है, वह बाहर आने लगता है, क्लियर। इसीलिए क्या होता है, एटमोस्फेरिक प्रेशर काफी इंपॉर्टेंस रखता है। एक एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है वो खाना बनाने में भी हेल्प करता है, ठीक है। एक इसके साथ एक दूसरी और जान लो, जो लोग पहाड़ों इलाके होते हैं, ठीक है, अगर कोई आदमी जमीन से पहाड़ों तरफ जाता है घूमने के लिए, ठीक है, जैसे मान लो कि हम लोग प्लेन एरिया में रहते हैं, जैसे मान लो कि यूपी एक प्लेन एरिया में, पहाड़ी इलाका तो है नहीं, नॉर्मली मिर्जापुर साइड है तो अलग है, ज्यादा ऊंचाई पर तो है नहीं। अगर जैसे मान उत्तराखंड जाते हैं या शिमला वगैरह साइड में, अगर हम ज्यादा ऊंचाई पर जाते हैं तो शुरुआत में 2-3 रोज हमें बहुत दिक्कत होता है, हमें चक्कर सा आता है, कमजोरी लगती है, ठीक है। एक्चुअल में क्या है, वहाँ पे एयर का प्रेशर कम होना, ठीक है, और उसके हिसाब से हम क्या ढले नहीं है। जनरली ये मानता है कि जो लोग पहाड़ी इलाकों में होते हैं उनके लंग्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं साइड में, ताकि ज्यादा ऑक्सीजन को बाहर अंदर क्या करें, एब्जॉर्ब कर पाए, क्योंकि बाहर साइड का एयर प्रेशर कम है तो ऑक्सीजन की मात्रा भी कम रहेगी। इसलिए पहाड़ी इलाकों में जो लोग होते हैं स्पेशली ज्यादा ऊंचाई पर रहने वाले, जो हमेशा वहीं पर रहे, ठीक है, कोई घूमने के लिए जाता है तो ऐसा नहीं कि जाएगा तो बढ़ जाएगा, आएगा तो घट जाएगा, बट नॉर्मली उनका क्या होता है, लंग्स बड़ा होता है, फेफड़ा बड़ा होता है, ताकि ज्यादा एयर ऑब्जॉर्ब कर सके, उनकी बॉडी वैसी बनी होती है कि एयर प्रेशर झेल सकता है। लेकिन जो आदमी माउंटेन पर चढ़ते हैं, ठीक है, तो जो पहली बार चढ़ता है या ज्यादा वहाँ पर बार बार ट्रेनिंग में नहीं रहा है, ठीक है, अचानक से कहीं ऊंचाई पर जाता है तो उसकी कुछ जगहों से ब्लड आने लगते हैं, ठीक है। तो ये होता है एयर प्रेशर। एयर प्रेशर जो है, एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है, वो हमें खाना बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे क्या होता है कि कोई भी चीज को जब बॉयल करते हैं तो तभी बॉयल हो सकता है जब उसके द्वारा वेपर प्रेशर जो बढ़ रहा है ऊपर से जो एटमोसफियर का प्रेशर लग रहा है उसके बराबर हो, अगर उससे कम रहेगा तो कभी बॉयल नहीं करेगा। तो जब हम पहाड़ी इलाकों जाते हैं तो एटमोसफेरिक प्रेशर घट जाता है, इसका मतलब बॉयल ऊपर हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे 10 की वैल्यू के बराबर फोर्स लग रहा है प्रेशर, वहाँ 8 लग रहा है, तो यहाँ पे अगर बॉयल करना तो कम से कम 10 बनाना होगा, वाटर वेपर को प्रेशर रखना पड़ेगा, वहाँ कितना, 8। इसीलिए पहाड़ी इलाकों में खाना बनाना आसान होता है, क्योंकि वहाँ चावल जल्दी उबल जाएंगे, जल्दी पक जाएंगे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अदान बोलते हैं ना, पानी गर्म करते हैं चावल डालने के लिए पहले, तो ठीक है, तो वो क्या होगा, जल्द आ जाएगा, क्योंकि जल्दी वहाँ बोआली स्टार्ट हो जाएगी। एक हमें कह रहा है कि प्रेशर जो विंड है वो हम पे प्रेशर डालती है, या जो एयर वो हम पे प्रेशर डालती है इसका, या एयर जो प्रेशर डालती है उसका एक एग्जाम्पल बताओ। तो एग्जाम्पल ये होगा कि एक कंटेनर ले लो, ऐसा लो कि उसमें ढक्कन लग सके, ठीक है, उसमें क्या करो, पानी भर दो, ठीक है, क्या कर दो, पानी भर दो, और बड़ा बन गया। एक कंटेनर लो, उसमें क्या करो, आधा से ज्यादा मतलब पूरा ना भरो, पानी भर दो, और फिर इसको क्या करो, गर्म कर दो पानी को, तो इसमें क्या होगा, वाटर वेपर वहां बाहर आएगा, कुछ टाइम हीट करने के बाद जब ये कुछ टाइम बॉयल हो जाए वहां बाहर आ जाए, फिर क्या करो, ढक्कन इस पे लगा दो, कैप को लगा दो, इसको बंद कर दो, क्या कर दो, बंद कर दो, ठीक है। और बंद करने के बाद
इसको साइड में इससे उतार दो, आग नीचे जल रही है ना, इसे क्या करो उतार दो। और उतारने के बाद इस पे क्या करो, ठंडा पानी डालो, लेकिन ध्यान रखो ये ढक्कन बंद होना चाहिए, लिड शुड बी क्लोज्ड। जब आप इस पर ठंडा पानी डालते हो तो देखोगे कि इसकी बॉडी धीरे धीरे क्या होती है, टेढ़ी हो जाती है। ठीक है, क्या होती है, टेढ़ी होती है। क्यों ऐसा होता है, बिकॉज वेन वी स्टार्ट टू पोर डाउन द कोल्ड वाटर ऑन दिस कंटेनर, जब इस कंटेनर पर हम ठंडा पानी डालते हैं तो अंदर जो वेपर थे, वाटर वेपर, तुरंत फटा से कंडेंस हो जाते हैं। कहते हैं कंडेंस होते हैं, और कंडेंस होने के बाद किस में वाटर वेपर बदलते हैं। पहले क्या था कि वाटर वेपर, ठीक है, इस कंटेनर में था, ठीक है, तो वाटर वेपर क्या कहता, बाहर प्रेशर लगा रहा था और बाहर साइड में फिर प्रेशर अंदर लगा रहा था, वो दोनों मेंटेन थे। अब जैसे इसको मैंने ढक्कन को बंद कर दिया और इस पे कोल्ड वाटर डाला, तो कोल्ड वाटर चलते जो इसमें वाटर वेपर था वो ठंडा हुआ, और जैसे ही ठंडा हुआ वाटर वेपर वो किस में चेंज हो गया, वाटर में। अब जैसे वाटर चेंज हुआ, वाटर के ऊपर जो वाटर वेपर थे वो खत्म हो गए, और वो वाटर वेपर प्रेशर क्रिएट कर रहे थे, एटमोस्फेरिक प्रेशर जिसे होता ना, और इसके बराबर क्रिएट कर रहे थे। लेकिन जैसे वो हट गए, अब बाहर साइड का प्रेशर ज्यादा हो गया और अंदर साइड का प्रेशर कम हो गया, जिसके चलते ये क्या होगा, तुरंत फटाक से जगह जगह से दब जाएगा, जहां प्रेशर ज्यादा पड़ेगा वहां फटाफट क्या जाएगा, दब जाएगा, और कंटेनर टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। एक और एग्जाम्पल देखोगे कभी कभी कि अगर किसी बॉटल में, स्पेशली जो कोल्ड ड्रिंक का बॉटल आता है 2 लीटर वाला, ठीक है, छोटा नहीं, छोटा वाला थोड़ा सा टाइट पड़ेगा, ठीक है, तो बड़ा कोई अगर 2 लीटर का बॉटल, 1 लीटर का मिलेगा तो चलेगा, ज्यादा छोटा नहीं क्योंकि उसमें नहीं दिखता है जल्दी। अगर आप 2 लीटर का कोल्ड वाटर, कोल्ड ड्रिंक का बॉटल है, उसमें पेट्रोल भर दो, पूरा नहीं भरो, कुछ खाली रखो, ठीक है, तो आप देखो कि कुछ टाइम के बाद पेट्रोल क्या होता है, डब्बा पचक जाता है, मतलब साइड साइड से दब गया रहेगा, टेढ़ा हो गया रहेगा। इसके पीछे भी यही होता है, क्योंकि जब हम पेट्रोल के डब्बे में, सॉरी कोल्ड ड्रिंक के डब्बे में, कोल्ड ड्रिंक बॉटल में पेट्रोल को भरते हैं, तो जनरली पेट्रोल आर वेरी कोल्ड, पेट्रोल बहुत ठंडा होता है, हाथ पड़े तो बहुत ठंडा लगता है, क्योंकि उसका बॉइलिंग टेम्परेचर बहुत लो होता है, थोड़ा भी हीटअप होगा तो वेपर फॉर्म में बाहर से चला जाएगा, उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, उसको ठंडा करके रखते हैं। तो जैसे ही उस कंटेनर में, उस बॉटल में हम भरेंगे, ठीक है, जैसे ही बॉटल में भरेंगे इसको, क्या नाम, पेट्रोल को, अब क्या होगा कि पेट्रोल ठंडा है, तो ठंडा होने चलते उस बॉटल के ऊपर जो भी एयर था उसको भी थोड़ा कंडेंस कर देगा, उसको भी ठंडा करेगा। जब वो ठंडा करेगा तो एयर थोड़ी सी लिक्विड फॉर्म में तो नहीं चेंज होगी, लेकिन थोड़ा कंडेंस हो जाएगी, थोड़ा सा क्लोज हो जाएंगे पार्टिकल, मतलब पहले फैले थे अब थोड़ा सा पास हो जाएंगे, जब पास होंगे तो प्रेशर अंदर का घट जाएगा, और जैसे प्रेशर अंदर घटेगा बॉटल जगह जगह से क्या होता है, टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। और जैसे फिर उसको ढक्कन से खोलोगे तो सब सब की हवा आवाज आती है, मतलब अंदर आवाज आती है फटाक से, और फिर बॉटल क्या पूरा सही से भर जाएगा, ठीक है। एक दो बार खोल दोगे तो अब नहीं ठंडा होगा, क्योंकि पेट्रोल इतना ठंडा नहीं कर पाएगा, लेकिन शुरुआत में पेट्रोल भरने पर क्या होता है, टेढ़ा सा हो जाता है, क्योंकि अंदर जो एयर होता है वो ठंडा होने का थोड़ा सा कंडेंस होता है, और कंडेंस चलते बॉटल क्या होता है, बाहर साइड के ज्यादा प्रेशर चलते अंदर दब जाता है। उसके बाद प्रेशर एट एनी पॉइंट इज मेजर बाय इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड बैरोमीटर। किसी भी पॉइंट पर अगर प्रेशर मेजर करना है तो वहां पे एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बैरोमीटर बोलते हैं, ठीक है। आप लोग देखिए कि बैरोमीटर ठीक वैसे ही होता है जैसे वो भरने में गाड़ी में जो भरते हैं सब ना, गैस, हवा, सॉरी एयर जो फिल करते हैं, एयर वाले जहाँ भरते हैं टायर में हवा, तो वहां पर देखो कि लगाए रहते हैं सब बैरोमीटर, उसको लगाएंगे तो उसमें क्या होता है, एयर नीडल बनाता है, फटाक से बताता है, फटाक से बताता है कि इस टायर में कितना एयर का प्रेशर दिया गया है, वैसे भी टायर लिखा होता है कितना इसका प्रेशर चाहिए, ठीक है, अलग अलग मौसम का अलग अलग लिखा होता है, ठीक है। तो वो बैरोमीटर होता है, उसी के हिसाब से क्या करते हैं, किसी भी जगह का प्रेशर हम मेजर करते हैं। नेक्स्ट जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग, एयर जो होता है वो एक्सपेंड करता है, एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग, ठीक है। किसी क्लोज कंटेनर में, ठीक है, किसी क्लोज कंटेनर में अगर एयर उसको करके अगर हीटअप करते हो, या आप देखे होगे कि अगर साइकिल जो होती है, ठीक
ठीक है, साइकिल में हवा भर के, थोड़ा ज्यादा ही हवा भरो लेकिन इतना मत भरो कि फट जाए, ठीक है। भर कर अगर गर्मी के मौसम में अब बाहर खड़ा कर देते हो, जनरली ऐसा होता है कि साइकिल स्टैंड में साइकिल खड़ा होती है स्कूल के, ठीक है, तो जनरली सेट तो होता नहीं है, ढका तो रहता नहीं है सेट, ऐसे खुले में रहती स्टैंड में, तो टायर के ब्रस्ट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। एक्चुअल में ये होता है कि जब क्या पड़ता है, गर्मी पड़ती है, हीट जब पड़ता है, तो जो एयर है वह हीट के चलते एक्सपेंड होती है, फैलती है, और जब फैलती है तो उसको क्या है, जगह जगह प्रेशर बढ़ने लगता है उसका, और जहां पे भी कमजोर पाता है वहां से क्या बर्स्ट करके बाहर निकल जाता है एयर। तो इससे यह प्रूफ होता है एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग, एयर क्या होती है हीट करने पर एक्सपेंड होती है, एंड अलॉन्ग विथ इट व्हेन वी हीट अप एन एयर इट बिकम लाइट एंड इट राइजेज अप। जब किसी एयर को हम हीट करते हैं, ठीक है, तो वह एक्सपेंड करती है, एक्सपेंड करने बाद क्या होती है लाइट होती है, हल्की होती है, और कहाँ होती है राइज अप, वो ऊपर की तरफ उठती है, क्या होती है ऊपर की तरफ उठती है। तो दूसरी प्रॉपर्टी है कि दूसरी सेकेंड प्रॉपर्टी स्टेट दैट द एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड व्हेन इट एक्सपेंड इट जनरली मूव अप, ओके, इट बिकम लाइट एंड मूव अप। जब किसी एयर को हीट करते हैं तो एक्सपेंड होती है, साथ ही साथ उसके वो ऊपर की तरफ उठती है, क्या होती है ऊपर की तरफ उठती है, ठीक है, क्योंकि वो हल्की हो जाती है। आप लोग देखे होंगे हॉट एयर बैलून, हॉट एयर बैलून क्या होता है, जैसे क्या होता है कि एक बड़ा सा बैलून होता है, उसमें क्या होता है नीचे, या आप वो भी देखे होंगे शादियों में या फिर छठ पूजा में या किसी भी लाइटिंग में देखे होंगे, अब मुझे नाम नहीं सुन पता है क्या होता है उसमें, आप देखोगे कि ऐसा बड़ा सा होता है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, कुछ रहता है जलाने वाला, मुझे नाम नहीं पता इसका क्या नाम है एक्चुअल में, ठीक है, इसमें हम क्या बांध कर उसको जब जलाते हैं और फिर जब जलना होता है ऐसे हवा में से छोड़ देते हैं और फिर धीरे क्या तो ऊंचाई जाता है, जब तक ये जलता रहता है तब तक ऊपर उठता रहता है, ठीक है, एक ऐसे मुझे हॉट एयर बैलून इसको भी कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है जब तक ये जलेगा तब तक क्या होता है इसके अंदर जो एयर होती है वह हीटअप होती है, हीटअप होने पर एक्सपेंड करती है, साथ ही साथ एक्चुअल क्या है पहले फूला तो रहता नहीं है इसको, बस साइड में दो तीन लड़के पकड़ लिए रहते हैं, नीचे कोई जलाता है, और जब जलाता है तो जो एयर होती है इसमें वो जो स्मोक क्रिएट होता है, जो एयर होती है वो हीटअप होती है, एक्सपेंड होती है, साथ साथ क्या होती है लाइट हल्की होती है, और फिर काम करना शुरू करती है, ऊपर उठना शुरू करती है, ठीक है। और बड़े बड़े सब फेस्टिवल जब लगते हैं, मेला लगते हैं, तो वहां पे हॉट एयर बैलून लगा होता है, नीचे क्या होता है कि बड़ी सी एक बैलून सा होता है, ठीक है, इसमें बैठने वाला व्यवस्था होता है, चाहे नीचे चाहे यहाँ पे, क्या होता है जनरली फ्लेम लगी होती है जो क्या करती है इसमें एयर देती है, ठीक है, इसमें हीट अप करती है एयर को, और ये क्या ऊपर उठना शुरू करता है, यहाँ पे रस्सी से बंधा होता है क्योंकि ज्यादा ही प्रोड्यूस होगा और ज्यादा ऊंचाई चला जाएगा तो उससे दूसरी जगह चला जाए, इसलिए यहाँ पे क्या होता है रस्सी से बंधा होता है कुछ ऊंचाई तक, 10 मंजिला 15 मंजिला ऊंचाई तक जाता है, उसके बाद रस्सी से क्या करता है सारे, फिर इसको हम वहाँ पे सिस्टम लगाता है, उसमें बैठा है, पास भी रहता है, वो उसको धीरे धीरे बंद करता है, और एक आदमी नीचे से क्या करता है रस्सी खींचता है, फिर आदमी क्या वापस उतर जाता है नीचे, ठीक है, हॉट एयर बैलून। तो यह सब कंडीशन है, यही दो तीन प्रॉपर्टी है इसके, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो जब कहीं भी इफ एयर एट एनी पॉइंट गेट हीटेड इट बिकम लाइट एंड राइजेज अप देन व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, अगर कहीं पर हीट पड़ती है तो वहां की एयर क्या होती है हीट अप होती है, कहीं पर अगर क्या पड़ती है हीट करते हैं तो वहां की लाइट, वहां की एयर क्या होती है लाइट होती है, हल्की हो जाती है और ऊपर उठती है, तो जैसे ऊपर उठेगी यहाँ पे पूरा क्या होगा स्पेस का क्रिएट होगा, यहाँ पे खाली जगह हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होता है जैसे ये ऊपर उठती है तुरंत, ठीक है, ये क्या है हॉट एयर, गर्म हवा ऊपर उठ रही है तो तुरंत उस जगह को जैसे ये जगह खाली होगा कोल्ड एयर तुरंत इधर चली जाएगी, ठीक है, एंड दिस एक्चुअली कॉल्ड द ब्लोइंग ऑफ एयर, ठीक है, एयर का ब्लोइंग होने पीछे यही कारण होता है, या ब्लोइंग ऑफ विंड जो है, ठीक है, हवा का चलना, या ठीक है हवा का जो चलना होता है वो एक्चुअल में इसी कारण होता है। जब किसी भी प्लेस पे ठीक है सनलाइट पड़ती है, जनरली थोड़ी जगह गर्म करेंगे नहीं,
जब किसी प्लेस पे सनलाइट पड़ती है तो होता यह है कि वहां की एयर सनलाइट को ऑब्जर्व करने के बाद गर्म होती है, हॉट होती है, और लाइट होने चलते एक्सपेंड करती है, लाइट हो जाती है, हल्की हो जाती है और धीरे धीरे ऊपर उठती है। जैसे ही ऊपर उठती है आसपास के जो एरिया जहाँ पे एयर कोल्ड हो वहाँ से फटाक से एयर उस एरिया कवर करने चली जाती है। जैसे उस एरिया कवर करने आती है फिर सनलाइट उसको हीटअप करता है, फिर वो अभी ऊपर जाती है। और हम जानते हैं कि जैसे जैसे ऊपर जाएगा फिर ये ठंडा हो जाएगा और फिर ये घूमकर किधर चला जाएगा, कोल्ड वाली जगहों पे चला जाएगा और ये लगातार चलता है। इसको हम बोलते हैं विंड करेंट। क्या बोलते हैं? विंड करेंट। ओके, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में मैं फैक्टर अफेक्टिंग फैक्टर दैट कॉज विंड करेंट को पढ़ाऊंगा। ओके, कोई भी कुछ भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सो थैंक यू।